दोस्तों आज एक ऐसी गाड़ी का वीडियो बन रहा है जो कि जान भी बचाती है लोगों की, और आई लव दिस कार जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये गाड़ी एम्बुलेंस में चलती है, लोगों की जानें बचाती है, दैट्स व्हाई आई लव दिस कार। और सबसे खास चीज़, मारुति अपना जो काला जादू कायम रखती है वो इस गाड़ी में भी रखा हुआ है, क्योंकि इस रेट में इतनी बड़ी गाड़ी आती नहीं है। तो मैं सीधा एक बार नवल किशोर जी से बात करता हूँ जो कि इस गाड़ी के ओनर हैं। भाई जी कैसे हो सर? बढ़िया जी बढ़िया। तो ये गाड़ी आपने किस लिए ली थी सर? मैंने ये ली गाड़ी कमाई के लिए, सीधी सीधी बात है, मेरा और कोई पर्पज नहीं है कमाई के लिए, मुझे ये कमा के देती है 40-50 हज़ार रुपए महीना आराम से निकाल देती है। कोरोना काल में थोड़ा कम कमाया है इसने, अब कमा के दे रही है। बढ़िया, देखो दिस इज द रीजन क्योंकि मैं इस गाड़ी का वीडियो बना रहा हूँ। एक तो कमा के दे रही है, प्लस जो आपके जो पर्सनल काम होते होंगे, रिश्तेदारी में कहीं भी जाना होता होगा, वो काम भी निपटाती होगी। काम करती है, पूरा काम करती है, कितने सामान ले लो, कितने आदमी बिठा लो। अच्छा इस गाड़ी के बारे में देखो, सबसे पहले मैं नेगेटिविटी के बारे में हमेशा बात करता हूँ, कुछ नेगेटिव है इस गाड़ी के बारे में सर? नेगेटिव पावर स्टीयरिंग नहीं दिया कंपनी ने, पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन दिमाग खराब है। मैं तो कई बार मतलब पावर स्टीयरिंग नहीं दे रखा कंपनी ने, बिना पावर इतने पैसे देने के बाद, इतने पैसे जो है खर्च करने के बाद गाड़ी पावर स्टीयरिंग नहीं दे रही। पावर स्टीयरिंग नहीं दे रही, बस यही कमी, मेन कमी जो है पावर स्टीयरिंग की है। बाकी एसी वगैरह सारी चीजें हैं इसमें, एसी वैसी सब ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, पावर एवरेज अच्छी है, सारे काम ठीक है। और सीएनजी वगैरह सब, जैसे कि स्टिकर भी लगा हुआ है, कंपनी फिटेड है, बहुत अच्छा। और गाड़ी जो है ये आपने जैसे कि बताया कि कमर्शियल यूज के लिए ली हुई है, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ लग्जरी की कमी है, अलॉय व्हील्स की कमी है, या कुछ एक जैसे लग्जरी गाड़ियां होती है उस टाइप की कुछ कमी महसूस होती है? अगर मैं लग्जरी में जाऊंगा ना तो मैं कमाई कैसे करूंगा? हाँ। कमाई करने के लिए तो मुझे कॉस्ट कटिंग में जाना है ना, इतना सस्ते से सस्ता मैं लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जब भी तो लोग आएंगे मेरे पास, क्यों आएंगे? बिल्कुल फैक्ट है। तो ये गाड़ी जो है आपको मंथली मतलब कितना अर्निंग करके दे देती होगी? 40,000 के आसपास कम से कम करके, मतलब 40,000 के आसपास, मिनिमम 40,000 के आसपास जाती है, स्कूल में लगी है, अलग अलग टूरिंग वगैरह चलती है, और घर के सारे काम होते हैं वो अलग है। सही बात है। चलो एक बार गाड़ी को एक बार अंदर से देखें। अच्छा मैंने इस गाड़ी के बारे में एक चीज और सुनी है कि इस गाड़ी में इंजन आगे पीछे है ही नहीं, सीट के नीचे है। बड़ी खास चीज ये है कि हैरान हो जाओगे, इंजन सीट के नीचे है। अच्छा उस इस वाली सीट के नीचे इंजन आता दोस्तों इसका? भैया एक बार खोलना, आप एक बार सीट खोलना। अच्छा दोनों सीटों के नीचे इंजन है इसका, है एक बार इंजन दिखाई देते हैं, पर खोल दो। बाकी दोस्तों ये गाड़ी जो है ना सिंपल सोबर है, ये सिस्टम भी आपने बाहर से लगवाया है? सिस्टम बाहर से लगवाया, कंपनी तो लगा के देती है नहीं कुछ भी। अच्छा कंपनी तो ये मान लो फ्री तो गाड़ी गाड़ी देती है बस, चला लो चुपचाप इसको। अच्छा ये इंजन आता है इसका? हाँ जी। तो गर्म वगैरह हो जाता है, गर्मियों में प्रॉब्लम नहीं होती सीट के नीचे? हल्का फुल्का तो महसूस तो होता है, वैसे कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को तो देख के बताऊं ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्म तवे के ऊपर बैठे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कर रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं रहती गाड़ी, मतलब गाड़ी का खर्चा कुछ नहीं है, कमा के ही देगी। बाकी यार पावर स्टीयरिंग मारुति अगर सुन रहे हो तो यार पावर स्टीयरिंग तो देना चाहिए। बाकी एयरबैग्स वगैरह भी मजबूरी में दिए हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मजबूरी कर दी, एबीएस इसी वजह से दिया है। बाकी ये गाड़ी का इंटीरियर है, और पीछे से आप लोगों को इस तरीके से एक सीटिंग वगैरह प्रॉपर, मतलब खुली गाड़ी है। वैसे तो कंपनी में एबीएस सिस्टम ही दे रखा है। हाँ ABS ये तो मजबूरी हो गई, पहले नहीं आता था इसके अंदर ABS वगैरह कुछ भी। कम से कम और ऑल ओवर लुक ये गाड़ी तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए में आती है मेरे ख्याल से, है ना? यही है ना? नहीं नहीं नहीं, तो 6.5 लाख की है भैया। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी, मेरे से मेरे मुंह से निकल गई, 6.5 लाख रुपए की, 6.75 लाख रुपए की ये गाड़ी है। लेकिन इस रेट में देखो कंपनी फिटेड सीएनजी भी है, और इसी गाड़ी के अंदर आप लोगों को एसी भी मिल रहा है, और इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है। मेन जो इसका फायदा, रनिंग कॉस्ट जीरो है एक तरीके से। देखो मेरे अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे तो हाँ, रनिंग कॉस्ट एक तरीके से बाइक के लेवल में पड़ जाती है इसकी, और दूसरा मारुति की है तो स्पेयर पार्ट भी सस्ते हैं, और प्लस साथ में इसकी सर्विस वगैरह सब सस्ती है। बिल्कुल, ये तो बात आपने एकदम फैक्ट बोली। और जहाँ तक देखो मेरे को एक आइडिया है, जब मैं अपने दिमाग के हिसाब से कहूँ तो जिस रेट में ये गाड़ी आती है ना, कोई और कंपनी में इतनी बड़ी गाड़ी इस रेट में है ही नहीं, इतनी सीटिंग में है ही नहीं, इतनी सीटिंग कैपेसिटी वाली कोई भी गाड़ी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये काला जादू है, मैं हमेशा इस बात को काला जादू कहता हूँ, और ये एक अप्रिसिएशन है मारुति सुजुकी के लिए कि इतनी बड़ी गाड़ी इतने रुपये में दे रही है, तो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, 6.5-7 लाख रुपए में इतनी हैवी गाड़ी, बढ़िया। ठीक है नवल जी, शुक्रिया। इसकी रीसेल वैल्यू सबसे बड़ी है, रीसेल इसकी जब भी हो जाएगी तो आज मैं बेच रहा हूँ तो आज शाम तक ही बिक जाएगी। रीसेल वैल्यू जबरदस्त है, ये आपने अच्छा पॉइंट बताया, बिल्कुल एकदम सही बात बोली आपने, बिल्कुल फैक्ट है। तो ठीक है नवल जी, फिलहाल ये वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। दोस्तों होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।